बड़ी गल की जे मैं मेहनत ना एफ एस सी पास की ठीक है, वो यूनिवर्सिटी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ना बहुत आगे चली गई हुई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है या वो एवरेज यूनिवर्सिटीज हैं, बट मेनली मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी बहुत आगे चली गई हुई है। ठीक है, मेनली आप अपना फोकस ना पहले अपना माइंड बनाओ आपने किस फील्ड में जाना है। ठीक है, इंटरमीडिएट आपने पास आउट कर लिया है, ठीक है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं आप ये चाहता हूँ कि आप पहले प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले ना अपना डिसाइड कर लो अच्छे से आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड में आप सुटेबल कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हो। ठीक है, देन हम लोग गो ऑन फॉर प्रोसीजर कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है बहुत बड़ा। ठीक है, वैसे भी हम लोग नेक्स्ट मंथ जा ही रहे हैं वेकेशन के लिए लंदन, तो उस वहाँ का जो वाइस चांसलर है वो मुझे जानता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उससे फेस टू फेस बात कर लेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपना माइंड बना लो, ठीक है, देन वी विल गो फॉर द प्रोसीजर, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक्स डैड। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਟੋਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀ ਰਕਮ ਸਿਰ ਦਿਓ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਅੱਗੋ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂ।